दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ रेजिडेंसी के कब्रिस्तान के अंदर। Don't forget to press the bell icon to get notified of our latest uploads. यहाँ से शुरू होती है आपकी सिमेट्री। जिस तरह से मैंने कहा था कि पूरे प्रेमी 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 प्रेमिकाएं जोड़े यहाँ पर आकर टाइम स्पेंड करते हैं। रोमियो जूलियट भी देख सकते हैं बाहर के, पता नहीं कौन सी कंट्री से हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर इन लोगों को आकर, क्योंकि ये हमारे अंग्रेजों का बनाया हुआ जगह है और ये हमारी सेमेट्री है जिसको मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। आपको मैं लेके चलता हूँ रेजिडेंसी के अंदर सेंट मैरी चर्च, जो कि 1810 में बनाया गया था और यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आते हैं इस चर्च को विजिट करने, कब्रिस्तान को। बहुत ही बड़ी सेमेट्री है ये, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है ये। काफ़ी पुरानी कब्रें हैं यहाँ पर। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, और जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो मैं अक्सर स्कूल नहीं जाता था तो यहीं पर आके बैठा करता था। मुझे यहाँ पर बड़ी शांति मिलती थी। याद देख सकते हैं उस टाइम की, हैप्पी सोल द डेज आर एंडेड ऑल द मॉर्निंग डेज। वाह, सीरियसली ये उस टाइम की चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रूबरू करा रहा हूँ। देख सकते हैं, ओ गॉड, ओ लॉर्ड, ओ जीजस, ओ मॉर्निंग स्टार, ओ लूसिफर। ये है सेमेट्री। लेकिन आज 2018 चल रहा है, लेकिन अभी तक इसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। लखनऊ वालों, थोड़ा सा इसकी कदर करो, ये बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है भाइयों, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो यार, हमारे इतिहास को नास्तनाबूद मत कीजिए। मैं ऑल ओवर इंडिया में जाता रहता हूँ क्योंकि हर जगह की प्लेसेस विजिट करता हूँ। सब लोग अपनी अपनी प्लेसेस काफ़ी खूबसूरती की तरह उन्होंने रखी हुई हैं, तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप भी अपनी प्लेसों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ज़रूरी है दोस्त। देखिए कितनी पुरानी कब्रें हैं। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है रेजिडेंसी के अंदर। और रेजिडेंसी के अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर उस टाइम उस वक्त का कब्रिस्तान भी है, जो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कब्रें हैं, किस तरह से तराश कर ये क्रॉस वगैरह लगाए गए हैं। और ऐसी कब्रिस्तान आपको हिंदुस्तान में कहीं कहीं देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने, ये देखिए इसकी भी बनावट कुछ अलग ही कहती है। और हिंदुस्तान तो क्या, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आकर विजिट करते हैं। और जब भी आप अगर हिंदुस्तान के वासियों या वर्ल्ड के किसी भी कोने के लोग हैं, अगर यहाँ पर आते हैं तो इसको विजिट करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ की कुछ अलग ही फीलिंग्स है और कुछ अलग ही हवा है, कुछ अलग ही पीस है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह के अलग चाइना के लोग, बाहर के लोग आकर इस सेमेट्री को देखते हैं। और आइए मैं दिखाता हूँ कुछ और भी चीज़ें थोड़ा सा पास। ये भी एक कब्र है किसी की, 1857। कुछ अलग ही खूबसूरती है यहाँ।
और दोस्तों एक बार जरूर आएं, क्योंकि इस समय तो पूरा का पूरा रेजिडेंसी पूरा इस समय क्षतिग्रस्त है, क्योंकि इस टाइम जब गोलाबारी हुई थी, जिनकी मृत्यु हुई थी, जो लोग मरे थे तो उन लोगों को यहीं पर दफना दिया गया था और उनकी याद में ये कब्रिस्तान बनाया गया था। और लेकिन आज भी अंदर का जो म्यूज़ियम है वो बिल्कुल बरकरार है, जिसको यूपी सरकार ने बहुत अच्छे से रखा हुआ है। और आपसे अनुरोध है कि जब भी आप लखनऊ में आएँ तो विज़िट ज़रूर करें। और चलिए फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, कुछ और नई चीज़ें दिखाता हूँ और कुछ नई चीज़ों से रूबरू कराता हूँ।